हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत, और आज का वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं बात करने वाला हूं सोनी A7M3 के 2 ईयर के रिव्यू के बारे में। तो इस कैमरा को मैं मोर देन 2 ईयर से यूज कर रहा हूं, 7M3, और 2022 में क्या आप इसे परचेज करना इसका वर्थ रहेगा या नहीं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सोनी 7M3 एक बहुत ही बेस्ट बेसिकली हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ कैमरा है, जिससे आप बहुत अच्छी फोटोज और साइमल्टेनियसली बहुत अच्छी वीडियोज शूट कर सकते हो। ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट कैमरा है, और इसी कैमरा से जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी एज एन वीडियोग्राफर वाली, जिसके थ्रू मैं डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट, जो हाई क्वालिटी कॉन्टेंट है, वो शूट करना मैंने बेसिकली इसी कैमरा से स्टार्ट किया था। तो मैं सब कुछ इन डेप्थ इस कैमरा के रिव्यू देने वाला हूँ, सब कुछ समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसको मुझे अभी भी पसंद है कैमरे की, इवन दो इज वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा। और जो नए अपडेट आए हैं पिछले कुछ समय में, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेरा वक्त गवाया। अगर आप हैं फर्स्ट टाइम चैनल पे तो कर लें सब्सक्राइब चैनल को, और फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई सेड, इट्स बीन मोर देन 2 ईयर्स आई हैव बीन यूजिंग दिस कैमरा। 2018 में ये कैमरा लॉन्च हुआ था। इसी कैमरा से ना आई कुड से के रेवोल्यूशन आया था मिररलेस टेक्नोलॉजी का, और इसी कैमरा के बाद लोगों ने मिररलेस कैमरास को जो है वो ऑन करना अच्छे से स्टार्ट किया था बड़े स्केल पे। 7S2 जब था, जिसके थ्रू बेसिकली आप बोल सकते हो रेवोल्यूशन आया था, बट जब 7M3 आया मार्केट में, तो ये बेसिकली मास एक ऐसा कैमरा है जो मास कम्युनिटी ने परचेज करा, फोटोग्राफर्स ने और वीडियोग्राफर ने, मल्टीपर्पज के लिए, बिकॉज ऑफ ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा कैमरा है, और साथ साथ में कैंडिड वीडियो सिनेमैटिक वीडियोज के लिए भी बहुत अच्छा कैमरा है। इन टर्म्स ऑफ फोटोज ना गाइस, ये 24.2 मेगापिक्सल पे आता है, बहुत ही शार्प और डिसेंट इमेज ये कैमरा क्लिक कर सकता है। अगर आप एक ऐसा सॉर्ट ऑफ कैमरा स्टिल 2022 में खरीदना चाहते हो अंडर बजट विद ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक फोटोज एंड वीडियोस, देन 7M3 स्टिल वन ऑफ द कंपेटिटिव कैमरा इन द मार्केट। अब एज आई सेड, फोटोग्राफी में इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टूडियो फोटोज करोगे और साथ साथ में अगर आउटडोर में भी फोटो शूट करोगे, तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट कैमरा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। इसको मैंने लो लाइट में भी टेस्ट किया है फोटोग्राफी के अंदर, और लो लाइट में जो है इसका ISO बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आप 12,000-10,000 ISO पे जब काम करते हो, तो कोई भी नॉइज आपके कंटेंट में आपको नहीं देखने को मिलती है, आपको फोटोज में नहीं देखने को मिलती है। ये कैमरा जो है वो रॉ पे भी फोटोज क्लिक कर सकता है, इसमें आपको JPEG प्लस रॉ का ऑप्शन मिलता है। मैंने इस कैमरा को स्टूडियो फोटोग्राफी में भी यूज किया है, इस कैमरा को मैंने नॉर्मल जो वेडिंग फोटोग्राफी होती है उसमें भी यूज किया है, मॉडलिंग के लिए भी यूज किया है। बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। सबसे अच्छी चीज़ जो इस कैमरा की, जब मैंने इसे पहली बार खरीदा था और मैं खुश हुआ था, वो था इसका ऑटो फोकस, बिकॉज आई यूज टू यूज DSLRs, ठीक है, और DSLRs में जो है ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता था, दैट इज स्लो सॉर्ट ऑफ ऑटो फोकस, ठीक है। यहाँ पे आपको आई ऑटो फोकस मिलता है फोटो के अंदर। देन अभी जब नया सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज हुआ था 3.1, उसके बाद से इसमें एनिमल आई ऑटो फोकस भी आ गया। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते थे, तो वाइल्ड लाइफ में आप एनिमल्स के ऊपर भी ऑटो फोकस कर सकते हैं, आई ऑटो फोकस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रियली रियली ग्रेट, एंड आई रियली लाइक दैट फीचर फॉर लाइक एनिमल फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। इन टर्म्स ऑफ फोटोज, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक फोटोग्राफर को नेसेसिटी रहती है टू शूट बेस्ट इन क्लास फोटोज, एंड आई रियली लव दिस कैमरा इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, जो कि मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा है इसका फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं अगर वीडियो की बात करूं, तो जब मैंने कैमरा परचेस किया था, इन बजट मार्केट में ये इकलौता ऐसा कैमरा था जो फुल HD 120 फ्रेम पे कंटिन्यू वीडियो शूट कर सकता था, और आपको प्लेबैक में भी आपको स्लो मोशन का प्लेबैक देता था विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इशू, ठीक है। तो ये इकलौता कैमरा था उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल, एंड लिटरली मैक्सिमम कंटेंट जितना भी मैं शूट करता हूँ प्रोफेशनल और वेडिंग का, और जो भी सॉर्ट ऑफ आप कंटेंट मान लो, वो सारा स्लो मोशन पे जाता है, एंड लिटरली स्लो मोशन बहुत ज़्यादा काम आता है इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी। फुल HD में स्लो मोशन होना मतलब सोने पे सुहागा है। इसके जो वीडियो फॉर्मेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको XAVC फॉर्मेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें 50 फ्रेम पे फुल HD, 100 फ्रेम पे फुल HD, इसके अलावा 100 फ्रेम पे स्लो मोशन फुल HD पे शूट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 4K वीडियो शूट करनी है, तो देन 4K में इसमें 30 फ्रेम तक का ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड एंड इनफ। अगर आप 4K शूट करना चाहते हो स्टैटिक सिचुएशन में, इंटरव्यू शूट कर रहे हो, इन केस ऑफ दैट ये कैमरा उस पर्पज में भी चले जाता है। 4K का ऑप्शन भी इसका बहुत अच्छा, और इवन 4K पे भी जो वीडियोज की क्वालिटी है वो बहुत नेचुरल और सुपर शार्प देखने को मिलती है। ऑटो फोकस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग ऑटो फोकस है। राइट नाउ जो मेरी वीडियो शूट हो रही है वो
FX3 पे हो रही है बिकॉज आई हैव रिसेंटली बॉट FX3 ऑल्सो. ठीक है, अब FX3 में एक एडवांटेज जो है, जब आप स्लो मोशन पे काम करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो स्लो मोशन पे ऑटो फोकस ट्रैकिंग, आई ऑटो फोकस वीडियो के अंदर, और इसके साथ साथ में टच ट्रैकिंग जो है वो परफेक्टली काम करता है, इवन दो ऑन 200 फ्रेम. बट जब आप 7M3 या 7R3 जो ओल्डर जनरेशन थोड़े से कैमराज हो गए हैं, अगर आप उनको यूज करोगे तो स्लो मोशन पे ऑटो फोकस काम करता है बहुत बढ़िया से, ऑटो फोकस की दिक्कत नहीं होती है. बट जो टच ट्रैकिंग का ऑप्शन जो होता है वो जो है वो डिसेबल हो जाता है 7M3 में, जो कि न्यूअर जनरेशन लाइक 7S3 और FX3 में आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है. रीजन बिकॉज FX3 अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और अगर आप प्राइस का गैप देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है, और उसमें भी लेटेस्ट जनरेशन रियल टाइम AF यूज हुआ है, जो कि यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको जो है वो नहीं मिलता है. फोटो के अंदर आपको रियल टाइम AF 7M3 में मिल जाता है. स्टिल आई एम यूजिंग दिस कैमरा फॉर माय वीडियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर माय कंटेंट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू. मेजोरिटी ऑफ कॉन्टेंट मैं अभी भी यूट्यूब का जो है वो सोनी 7M3 पे यूज करता हूँ. मैंने इसको जो है, इसमें एक और अच्छी चीज जो आती है वो होती है पावर बैंक से ये सप्लाई ले लेता है. ठीक है, तो सोनी के कैमरा का अपने आप में एडवांटेज है. FX3 भी जो है मैं पूरा दिन 5-5, 6-6 घंटे जो है रोलिंग करता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ, पावर सप्लाई लगा करके उसको मैं पावर बैंक से कनेक्ट करके रोल कर देता हूँ. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो आपको पावर बैंक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप माइक्रो जो जैक होता है USB माइक्रो USB जैक, उसके थ्रू आप जो है वो उसमें पावर सप्लाई ऐड कर सकते हो, एंड देन उसके बाद इसे कंटिन्यू रोल कर सकते हो. अभी कुछ दिन पहले एक रीसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज हुआ था जिसके थ्रू अब ये USB से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता है. तो पहले आपको कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ती थी, बिकॉज ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल हो पाया कि अब आप लाइव स्ट्रीमिंग वाया कैमरा डायरेक्टली थ्रू USB कर सकते हो. आपको कोई कैप्चर कार्ड थर्ड पार्टी खरीदने की नीड नहीं है. ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. ड्यूरिंग दी लॉकडाउन ना ये बहुत काम आई थी, बहुत सारे वीडियोग्राफर्स ने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग किया था सोनी कैमरा से विदाउट टू बाय कैप्चर कार्ड. आगे बढ़ने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, अगर आप वीडियोग्राफर हैं और एडिटिंग सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, तो मैं पूरी की पूरी अपनी क्लास लेके आया हूँ वीडियो एडिटिंग की, जिसका नाम है मास्टर इन EDS. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आप मास्टर होना चाहते हैं EDS के अंदर कलर ग्रेडिंग में, कलर करेक्शन में, तो वो सब कुछ मैंने उस क्लास में एक्सप्लेन किया. सोनी A7M3 का एक और सबसे बड़ा रीजन रहा पॉपुलर होने का इंडियन मार्केट के अंदर, वो है इसके लाइट वेट होने का सबसे बड़ा रीजन है. आप आसानी से इसे किसी भी लाइट वेट गिम्बल के ऊपर बैलेंस कर सकते हो टू शूट कॉन्टेंट, एंड इसके अंदर आपको पिक्चर प्रोफाइल्स में S-Log2 और S-Log3 देखने को मिलता है. तो अगर आपको बहुत सिनेमैटिक लुकिंग शेडोज और हाइलाइट्स में से डिटेल रिकवर करके कंटेंट को बनाना है, देन सोनी M3 ना जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है. मैंने सोनी A7M3 के जो रिजल्ट हैं वो एक लट को यूज करके, फैंटम लट्स आती हैं बहुत फेमस एक फिल्म मेकर है उनकी, उसको यूज करके जो है S-Log2 की प्रोफाइल वाले कलर को Arri Alexa के कलर से मैच करा हुआ है. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. तो अगर वो लट्स आपको लेनी है तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं. आप उन लट्स को यूज करके सोनी 7M3 के S-Log वाली प्रोफाइल को जो है वो Arri Alexa वाले कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये इतना बड़ा एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ S-Log में आपको पूरी 14+ स्टॉप की डायनामिक रेंज मिलती है, एंड देन ओवर द पोस्ट प्रोडक्शन आप काफी सारा करेक्शन कर सकते हो S-Log2 के अंदर, एंड कलर्स को बहुत ज्यादा रिच एंड सिनेमैटिक बना सकते हो. दैट इज व्हाई इन बिटवीन ऑफ फिल्म मेकर, इन बिटवीन ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, कॉन्टेंट क्रिएटर और वेडिंग वीडियोग्राफर्स के बीच में ये जो कैमरा है वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी रहा है. सबसे ज्यादा मार्केट में पॉपुलर कैमरा 7M3, किसी के भी मुंह से सुन लो, हर एक इंसान के हाथ में है इस टाइम पे, जो बड़े फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स हैं, इवन एवरेज फोटोग्राफर्स के पास भी आपको ये कैमरा मिल जाएगा. एंड जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है इस कैमरा का इन दी फोटो इन दी वीडियो इज वन ऑफ द बेस्ट. अब नाउ कंक्लूजन निकालते हैं कि 2022 में आपको लेना चाहिए नहीं, बिकॉज 7-4 जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, राइट. स्टिल अगर मैं बोलूं 7M3 इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ जो प्राइस रेंज है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये कैमरा फॉल करता है उसके अकॉर्डिंगली गाइज ये कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट. प्राइस रेंज के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आप एक इंडिपेंडेंट वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, आपने जस्ट स्टार्ट किया है वीडियोग्राफी करना फोटोग्राफी करना, तो ये एक ऐसा कैमरा है जो आपके सारे पर्पस सॉर्ट आउट कर देगा अंडर बजट प्राइस रेंज. तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं. वन सेकेंड, अगर आपने खरीदना है तो जाके अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, वो भी जो भी बेस्ट प्राइस है वो आपको मिल जाएगा. तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो कर ले सब्सक्राइब चैनल को और फॉलो कर ले मुझे Instagram एंड Facebook पे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून गाइज एंड कीप शूटिंग.